हमारे साथ, खास बात यह है कि हमारे खास मेहमान भी फोन लाइन के थ्रू हमसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं असित सिंह जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की, और साथ ही डीजी हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नेहरू युवा केंद्र की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ष में कार्यक्रम है जिनका आयोजन नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किया जाता है। हम जानना चाहेंगे इस बार किस तरह से किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही आपके उद्देश्य के बारे में भी जानना चाहेंगे सर। 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी जी। और उसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि देश के जितने रूरल यूथ हैं उनको हम लोग नेशनल बिल्डिंग के काम में लगाएं जी, और साथ ही उनको स्किल डेवलपमेंट और अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनका करेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करें जी। एंड आज लगभग पिछले 47 सालों में अब ये दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस में है, और हमारे साथ करीब 40 लाख युवा हमारे 1,75,000 यूथ क्लब के थ्रू जुड़े हुए हैं जी। जितने भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसा आपने कहा स्वच्छ भारत मिशन, फिट इंडिया, इंद्रधनुष, नमामि गंगे, आप जितने भी मेजर प्रोग्राम्स की बात करें उनका सक्सेसफुली जो कार्यान्वयन पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र संगठन के थ्रू हो रहा है जी। और 2020 में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग करने जा रहे हैं, एक तो नेशनल यूथ पॉलिसी, जो फर्दर युवाओं को क्या दिशा देनी है, कैसे उनको गेनफुली एंगेज करना है, वो हम लोग नया तैयार करने जा रहे हैं। इसको संभवतः प्रधानमंत्री जी अगले 2 महीने में लॉन्च करेंगे जी। डिजास्टर के क्षेत्र में हमारे मंत्री रिजू साहब जो गृह मंत्रालय से आए हैं, हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के थ्रू अपने लगभग 50,000 वॉलंटियर्स की डिजास्टर रिस्पांस टीम बनाई है, जो देश के किसी भी हिस्से में प्राकृतिक आपदा के समय वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में काम करेंगे जी। हमारे सारे जगहों पे स्टाफ की कमी थी, जो पिछले एक साल में हम लोगों ने लगभग भर दी है, और सारे 623 डिस्ट्रिक्ट नेहरू युवा केंद्र में हम करीब करीब पूरी तरह से हमारे स्टाफों की तैनाती हो चुकी है जी। बिल्कुल सर, जो लोग आपके साथ अगर जुड़ना चाहें तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं आपसे? बिल्कुल, और कैसे अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं? वो सारे हमारे पोर्टल पे NYKS के जाएं, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुला हुआ है। देश के किसी भी युवा के लिए ये संभव है जो 15 से 29 साल के एज ग्रुप में हो जी। एंड उसके बाद वहाँ रजिस्टर होने के बाद हमारे जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और अन्य भी जो हमारे युवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम है उनके साथ जुड़ सकते हैं, अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से क्या क्या उद्देश्यों को लेकर नेहरू युवा केंद्र आगे बढ़ रहा है और कैसे इससे जुड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक बात ये भी जहन में आती है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से युवाओं के साथ काम कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो युवाओं को आगे बढ़ने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं और कैसे आप उन चुनौतियों से पार पाने में उनकी मदद करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारी चुनौती जो देश में सबके सामने है जी, वो आज के युवाओं को एक सही मार्ग दिखाने की है। उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चुनौतियां जो किसी भी युवा के लिए है वो हमारे संगठन से जुड़े हुए युवाओं के सामने भी है जी। एंड केंद्र सरकार अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से सर्वदा यह प्रयास कर रही है कि इन चैलेंजेस को किस तरह किया जाए। हम लोगों ने अभी हमारा एक यूनिवर्सिटी है RGNIYD, उससे हम लोगों ने यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की स्टडी भी कराई थी, उसमें जो जो पैरामीटर जिसपे हमारे युवा पिछड़ रहे हैं उनमें उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ भी नेशनल इक्वालिटी फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसमें युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत ट्रेनिंग दिलाकर उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो स्वरोजगार दिलाने का प्रयास किए जा रहे हैं जी। अच्छा जी, चूंकि आप युवाओं की जब बात करते हैं, 2020 का वर्ष है, नया वर्ष शुरू हो चुका है, हम जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं का? हम तो सारे युवाओं से ही अपील करेंगे कि वो सही मार्ग पे चले, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है उनके अनुसार उनके उसी रास्ते पे चलते हुए देश के निर्माण में अपना अधिक से अधिक सहयोग दें जी। बहुत बेहतरीन बात, कोई भी युवा जो होता है किसी भी देश का भविष्य होता है, और उनको सही मार्ग पर चलना और अपनी संस्कृति को साथ लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। थैंक यू।